नमस्कार, आप देख रहे हैं आठभट्ट न्यूज। खबर मोतिहारी से है। शिक्षा वो बहुमूल्य संपत्ति है जिसे ना कोई चोरी कर सकता है ना कोई छीन सकता है। बेहतर जीवन पाने के लिए शिक्षा का बहुत योगदान होता है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में बढ़ावा और युवाओं में शिक्षा के प्रति बेहतर झुकाव को लेकर मोतिहारी के कोटबा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमें पहली बार सम्मानित किया जा रहा है, हमें बहुत प्रसन्नता है और हम आशा करते हैं कि हम अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें और हम ही नहीं, हमारे अगले पीढ़ी के बच्चे को भी ये सम्मानित किया जाए, यही आशा है हमारी। हम पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं और हम अपने देश, समाज, गांव, राज्य, इन सभी का नाम रोशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा सम्मान देकर ही। ऐसा कभी मेरे गांव में नहीं देखा गया था कि ऐसा सम्मान मिलेगा और अशोक चचा जी की तरफ से ये बहुत अच्छा लगा कि हमको काबिल समझे और इस सम्मान में हमको आयोजित किए और आए, बहुत अच्छा लगा। कितना फायदा होगा इस तरह का? जी, इस तरह से समझिए तो जो पीछे वाले जो बच्चे हैं वो और पढ़ेंगे लिखेंगे, फर्स्ट आएंगे, उनको भी अगले साल सम्मान दिया जाएगा। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी। जी, मैं फिशरी साइंस से इस बार फर्स्ट किया हूँ। देखिए, मेरा नाम अशोक कुमार यादव हो गया और मेरा घर बहरवा कला पश्चिमी में हो गया। परमानेंट हम देखें कि शहर में बच्चा का सम्मान होता है, शिक्षा का सम्मान शहर में होता है, गांव देहात में किसी का नज़र नहीं है। हमको लगा कि भाई हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और गांव से जुड़े हैं और इसी गांव से डॉक्टर इंजीनियर लोग बन के जाता है, लेकिन गांव का कहीं चर्चा नहीं रहता है। हमको लगा कि अपने गांव पंचायत ग्राम का जितना बच्चा टॉप किया है मैट्रिक इंटर बीए सबको सम्मानित करें और ये मेरा सिलसिला चलता रहेगा परमानेंट।